तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी कुछ देर पहले शाहरुख खान ने अपना FRK यानी कि आस्क SRK एक अपना वो जो मुहिम उनकी वो चालू होती है, वो तकरीबन एक घंटा चलती है। और उस एक घंटे के अंदर अनगिनत लोग आते हैं, अपने अपने मन की बात रखते हैं, और शाहरुख खान अपने मन द्वारा, मतलब जो उनका मन करता है वो उसी पर्सन का रिप्लाई देते हैं। भाई पिछले एक साल से तो मैं लगा हुआ हूँ, मेरा एक भी रिप्लाई नहीं दिया शाहरुख खान साहब ने। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या कोई दिखा दे तो भाई मेरा भी रिप्लाई दे दो। तो बाकी लोगों के जो रिप्लाई दिए वो काफ़ी चटपटे थे, ज़्यादातर लोगों ने एडवांस बुकिंग को तो नहीं लेकर, लेकिन कुछ अपनी पर्सनल बातें, क्योंकि जो बातें होती हैं ना वो लोग समझते हैं कि भाई शाहरुख खान जो है इन बातों पे ज़्यादा जवाब देंगे, मतलब कि मेरी गर्लफ्रेंड या कोई मेरी बीवी या फिर टिकट के जी, वो टिकट के लिए नहीं मान रही, ये फलाना ढिमाका जो भी इस तरीके की बातें लोग बात करते हैं, उन्हें लगता है कि शाहरुख खान इन बातों का जवाब देंगे। लेकिन आज उन्होंने ज़्यादातर जो एडवांस बुकिंग को लेकर बातें की, कि एक ने पूछा भी कि भाई अभी अभी जो एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है सर, आपको कैसा फील हो रहा है? तो वो बोलते हैं भाई मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ज़्यादातर कुछ इसी तरीके की प्रोफेशनली बातें हुई एडवांस बुकिंग को लेके, लेकिन कोई ऐसी बात तो निकल के नहीं आई। देखो अब तो वैसे भी क्लियर है, मूवी तो आ ही रही है और सारी चीज़ें आ ही चुकी हैं, तो एक नॉर्मल वे में बात हो रही थी तो वो हो चुकी है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ठीक 4 बजे अपडेट हुई एडवांस बुकिंग, तो मैं वो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको पता होगा बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर बन चुके हो जितने भी हो। तो फिलहाल दोस्तों मैं हिंदी 2D से इसकी एडवांस बुकिंग बताऊं तो भाई इसके जो टिकट बिके हैं दोस्तों अभी तक वो बिके हैं दोस्तों 432,035 इसके टिकट्स अभी तक बिक चुके हैं हिंदी 2D से, सबसे ज़्यादा हिंदी 2D से बिके हैं, जो कि कलेक्शन बनती है 12,93,18,278। तमिल 2D टिकट्स 11,764, कलेक्शन 188,042। हिंदी IMAX टिकट्स 10,464, कलेक्शन 74,07,364। तेलुगु 2D टिकट्स 6,350, कलेक्शन 8,98,514, कलेक्शन टोटल 200 टिकट्स होते हैं, 4,60,568 टिकट्स इसके सोल्ड आउट हो चुके हैं, एंड जो कलेक्शन है 13,95,00,000, लगभग 14 करोड़ मान लीजिए, शाम तक पहुंचते ये 16 करोड़ भी पहुंच जाएगी 12 बजे तक। अब दोस्तों टिकट की बात करता हूं, भाई टिकट जो है 5 लाख से ऊपर की हो रही है, पता नहीं सैकनिक वाले कम क्यों दिखा रहे हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं इनकी अपडेट एडवांस बुकिंग इतनी पीछे से क्यों आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि भाई 5 लाख से ऊपर जा चुकी है। आप खुद सोचो, कल रात को ये 4 लाख हो गए थे, तो कल रात से मतलब मान लीजिए चलो 12 बजे के ऊपर भी मैं अगर जाता हूँ तो 1 बजे 2 बजे के से लेके अभी 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 60 या 61,000 ही टिकट्स बुक हुए होंगे। यार कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इनकी जो अपडेट है वो दोस्तों काफ़ी पीछे जा रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, कभी आप गुमराह ना हो, मैंने फिर भी आपको बता दिया जो कि अपडेट होके आई है। नेशनल चेन की दोस्तों बात करूँ तो नेशनल चेन ने अभी तक 2,15,000 से ऊपर के टिकट्स इसके सोल्ड आउट कर लिए हैं। बाकी यह है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ या इसके बाद अगर आप वीडियो देखते हैं तो भाई ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक तो मेरे पास जो अपडेट आई है वो 2,15,000 टिकट से ऊपर ही आ रही है, ये ऊपर ही जा रही है, ये इतनी रुकी हुई नहीं है, ये ऊपर ही जा रही है। और ऊपर जाना बिल्कुल यार मुनासिब सी बात है, एक कोई इसमें कोई डेफिनेटली कोई ऐसी बात तो है ही नहीं कि भाई रुकी हुई है, भाई वो तो आगे जाएगी, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि तो इससे ऊपर ही जा चुकी है। और बाकी ये है कि 13,95,00,000 जो बता रहे हैं ये बहुत पहले की रिपोर्ट है, ये बहुत पहले की रिपोर्ट है, ये इससे ऊपर जा चुकी है, 14 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है कलेक्शन, और ये 5 लाख को टच कर चुकी है, पता नहीं क्यों कम दिखा रहे हैं। और ये लोग जो है डे 1 की ओपनिंग भी इस एडवांस बुकिंग को देख के पता है क्या बता रहे हैं, 40 करोड़ डे 1 से ओपनिंग करेगी जवान, ये सैकनिक वेबसाइट्स का कहना है। अब आप खुद देख लो कि इस तरीके की एडवांस बुकिंग जब चल रही है, भाई 40 करोड़ की एडवांस बुकिंग करेगी ओपनिंग डे की, 40 करोड़ की करेगी, भाई साहब 80 करोड़ के आसपास की करेगी, 40 करोड़ में कहां आप जो है सो रहे हो, क्या सो रहे हो, आप नींद में हो, नशे में हो, कौन सा नशा कर रखा है, 40 करोड़ कम से कम 70-80 करोड़ की डे 1 इंडिया से करेगी। आपको अभी एक डाटा और बताता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र, दिल्ली
और गुजरात जैसे प्रमुख राज्य जहां अब तक पूरे भारत के 7,400 शोज में से हैं, जिसमें से सिर्फ जो जवान को दिए गए हैं 3,113 शो या थोड़े से उससे ज़्यादा दिए गए हैं, 3,120 होंगे ये सब दिए गए हैं, क्योंकि इन राज्यों में ऑक्यूपेंसी 17% की शो हो रही है। क्योंकि ये एक भाई चलन है कि राज्य पिछले दो दिनों में टिकट बुक करते हैं, मतलब जो कि बाकी जो बाकी बड़े बड़े राज्य हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात एंड हैदराबाद, ये लोग जो जो सिटीज हैं, ये सिटीज जो मेन जो डेज होते हैं, मतलब मूवी जब करीब जाती है तो ये सिर्फ लास्ट के दो तीन दिनों में ही ज़्यादा टिकट बुक करती है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जल्दी से टिकट बुक कर लो और हमें लास्ट में टिकट नहीं मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। अभी आपको जो शो दिख रहे हैं भाई, वो धीरे धीरे ओपन होने शुरू होने चले जाएंगे, मतलब अभी और ओपन होंगे शोज, ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं तक सीमित है, अभी ये और होंगे। और इसमें लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, अन्य छोटे केंद्रों पर कम शो के कारण अग्रिम बुकिंग धड़ल्ले से चल रही है और दर्शक घबरा रहे हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिलेंगे। कई राज्य 60% ऑक्यूपेंसी दिखा रहे हैं, वह भी एडवांस बुकिंग में। उम्मीद है कि छोटे केंद्रों में भी और शोज आज के बाद में जोड़े जाएंगे, मतलब जो छोटे शहर हैं, इन बड़े बड़े शहरों को हटा के जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे जो उनको जो शोज मिले हैं डेली के, या थिएटर्स में जो उनको डेली के शोज दिखा रहे हैं थिएटर वाले, वो मायूस ना हो, वो घबराए ना, क्योंकि एक दो दिनों में वो उस शहर के शोज भी अब आपको जो है बढ़ जाएंगे और आप वहाँ से टिकट आराम से बुक कर सकते हैं। घबराने वाली कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि आर्टिकल में आ चुका है, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप मूवी को देखना चाहते हैं, फर्स्ट डे देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से आप टिकट बुक कर लेंगे। और ऐसा नहीं है अगर आप टिकट बुक करने जाएंगे तो वो आपको हाउसफुल होगा, शो आपके सामने होगा, टिकट आपके सामने होगी, सीट खाली होगी। सिर्फ अगर आप देखने वाले हैं तो आप पैसा दें और टिकट खरीदें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और भाई किस किस ने टिकट बुक कर लिया है, कहां कहां से हो, कहां कहां से मेरी वीडियो देख रहे हो, बता तो दिया करो यार, कम से कम नीचे कमेंट में तो बता दिया करो। थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो यार वहां भी लोग देख रहे हैं। और भाई अगर कोई मेरा भाई बांग्लादेश में कोई वीडियो देख रहा हो तो यार बताओ कि बांग्लादेश में क्या प्रोसीजर चल रहा है, क्या मसला चल रहा है, कैसे वहां पे जो है इसका प्रमोशन हो रहा है, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।